नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शीतला माता लक्खी मेले का आयोजन भले ही प्रशासन ने रोक दिया हो, लेकिन सरकार चाहकर भी श्रद्धा को नहीं रोक पाई। ये आज चाकसू के शीतला माता मंदिर पर देखने को मिला। लोग माता के प्रति अपनी श्रद्धा के चलते नहीं रुके और माता के दर्शन करने हजारों की तादाद में पहुंचे। लोगों में कोरोना का भय कम ही दिखाई दिया। कुछ लोग मास्क लगाए नजर आए तो कुछ लोग बेपरवाही दिखाई दी। मान्यता के अनुसार लोग माता को रोग नाश करने वाली मानते हैं। ऐसे में सवेरे से ही लोग माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। बिना मास्क के लोगों के आने के प्रश्न पर चाकसू थाना अधिकारी बलबीर कस्वा ने माना कि मंदिर की ओर आने के अनेक रास्ते हैं। लोग चारों ओर से आ रहे हैं। मेन द्वार पर पुलिस ने मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था करवा रखी है। अगर कोई वहां से बिना मास्क के आता है तो पुलिस उसे मास्क उपलब्ध करवा रही है। जब मर्दर बुलेटिन ने थाना अधिकारी को पुलिस व्यवस्था को लेकर बात की तो वह पुलिस की कुछ खामियों को मानते नजर आए। मेले पर प्रतिबंध लगने के बाद मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें व झूला, सर्कस आदि मनोरंजन के संसाधन नहीं लगने से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और रवाना होते नजर आए। पूरा शीतला माता परिसर सूना सूना नजर आया। गोविंदगढ़ कस्बे में शीतला माता की पूजा को लेकर महिलाओं ने पुआ पकौड़े लापसी सहित अनेक पकवान बनाए और प्रातः 3 बजे से ही महिलाओं का माता के पूजन को लेकर तांता लगा रहा। महिलाओं ने चुनरी की साड़ी पहनकर और श्रृंगार कर शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूरे कस्बे में इस पूजा को लेकर महिलाएं एक दिन पहले ही शाम को पकवान बनाने में जुट गई। इसी पकवान को थाली में सजाकर शीतला माता के मंदिर में पूजा की। इस पूजा की मान्यता भी बुजुर्ग महिलाएं बताती है कि होलिका दहन के बाद पहले बृहस्पतिवार को ही पकवान बनाकर उसके अगले दिन पूजा करनी होती है। इस पूजा के महत्व के बारे में कहना था कि इस पूजा में काम आने वाले जल को बच्चों सहित अन्य सभी परिवारजनों के शरीर पर लगाने से अनेकों बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता बताई जाती है कि इस दिन ठंडे पकवान ही खाए जाते हैं और गर्म भोजन बनता ही नहीं है घरों में। जयपुर के बिंदायका इंडस्ट्रियल एरिया में माचिस फैक्ट्री में लोडिंग के वक्त आग लग गई। आग की लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि शिकायत प्रोडक्ट जहां माचिस की तीलियां बनाने का कार्य भारी मात्रा में होता है, पहले भी 2 बार फैक्ट्री मालिक की लापरवाही से फैक्ट्री में आग लग चुकी है। साथ ही पहले जब फैक्ट्री में आग लगी थी वहीं काम करने वाले एक मजदूर भी उस आग की लपटों में घिर गया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। फैक्ट्री मालिक सुनील कायर की माचिस बनाने की 2 फैक्ट्रियां हैं, एक बिंदायका में दूसरी सिवार में। बिंदायका वाली फैक्ट्री में पहले भी गांव वालों ने शिकायत की थी कि रात को फैक्ट्री से जहरीला धुआं निकलता है और ग्रामीण काफी परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन ने गांव वालों की एक भी नहीं सुनी। इसके अलावा 2 बार सिवार वाली फैक्ट्री में आग लगना और 3री बार अब जो आज आग लगी है, ये सवालिया निशान खड़ा करती है कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पड़ा है तो फैक्ट्री में आग बुझाने के उपकरण क्यों नहीं है और जो उपकरण लगे हुए हैं वे खराब पड़े हैं। 3री बार आग लगने से पहले मजदूर के आग में मर जाने पर भी मालिक को सबक नहीं मिला या फिर काफी पहुंच के कारण इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर गलती किसकी माने, फैक्ट्री मालिक की या फिर अनजान प्रशासन की जो कि अब तक भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। भवर सिंह इंचार्ज बिंदायका फायर स्टेशन ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अगर मालिक की लापरवाही पाई गई तो उच्चाधिकारियों द्वारा फैक्ट्री मालिक सुनील कायत पर कार्रवाई की जाएगी। दातारामगढ़ थाना अधिकारी हिम्मत सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक जयपुर राजस्थान द्वारा उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों की सूची जारी की गई, जिसमें सीकर जिले से 2 पुलिस निरीक्षकों का उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए उत्तम सेवा चिन्ह सम्मान के लिए चयन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार और दातारामगढ़ थाना अधिकारी हिम्मत सिंह को इस सम्मान से नवाजा गया। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित होने की सूचना के बाद क्षेत्र में लोगों द्वारा बधाई संदेश प्रेषित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में साल की शुरुआत में ही 3 बड़े हत्याकांड के मामले सामने आए थे, जिनका थाना अधिकारी हिम्मत सिंह के नेतृत्व में महज 10 घंटे के भीतर ही हत्याकांड के मामलों का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही और भी कई ऐसे मामले थे जिनको थाना अधिकारी ने समय रहते हुए खुलासा किया। इसी उल्लेखनीय सेवा कार्य को लेकर दातारामगढ़ थाना अधिकारी हिम्मत सिंह को उत्तम सेवा चिन्ह के सम्मान से सम्मानित किया गया है। सहकारी समिति जयपुर शहर कार्यालय उप रजिस्ट्रार के पंच निर्णायक व निरीक्षक ने एक बात पर आदेश जारी कर कालवा रोड स्थित बेशकीमती भूमि के हस्तांतरण, निर्माण या अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है और इस संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है। ये आदेश कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर शहर पंच निर्णायक व निरीक्षक नवनीत सैनी ने सिंधु नगर
हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जयपुर जरिए तनवीर खान निवासी मदीना कॉलोनी कालवा रोड झोटवाड़ा की ओर से रघुराज सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी 2400 लोर्डी हाउस बाबू बाजार जयपुर वे अन्य के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 63 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षकारों को विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 173 में खसरा नंबर 391 खाता संख्या 171 में खसरा संख्या 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 403 404 405 व 406 कुल किता 15 वाक्य जो योजना टी प्लांटर जयपुर के संबंध में जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार अग्रिम आदेशों तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने और वादी के कब्जे को कायम रखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस आदेश के अनुसार प्रार्थी प्रतिवादी मौके पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने व विवादित भूमि को हस्तांतरण बैंक में रहन अन्य दिगर व्यक्ति को लीज किराए व निर्माण नहीं कर सकेंगे। काबिले गौर है कि इस भूमि को लेकर रघुराज सिंह और तनवीर खान के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। इस आदेश के बाद वादी तनवीर खान को राहत मिली है। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांचवा में बकरियां चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। शातिर तरीके से बकरियां चोरी करते और किसी को भनक भी नहीं लगने देते हैं। गिरोह ने आतंक मचा रखा है। बकरी चोर गिरोह ने विगत दिन गुरुवार को रोही में चरने गई बकरियों में मौका देखकर दो बकरियां चोरी कर ली। चोरी होने का पता चलने के कुछ घंटों बाद पीड़ित केसाराम ने अज्ञात चोरों के खिलाफ बकरियां चोरी करने का मामला चितावा थाने में दर्ज करवाया। पीड़ित केसाराम ने बताया कि विगत गुरुवार को मेरी माता जसवंत फिलिंग पेट्रोल पंप के पास हमारे खेत के पड़ोस की रोही में बकरियां चरा रही थी। दिन में करीब 1 बजे पानी पीने के लिए घर पर आ गई तो कुछ ही दूरी पर इस दरमियान पानी पीकर वापस जाकर बकरियों की रेवड़ को देखा तो दो बकरियां कम दिखाई दी तो होश उड़ गए। मेरी माता और हम इधर उधर देख रहे थे तो वहां मोटरसाइकिल पहियों के निशान दिखाई दिए। चोरी होने की खबर लगते ही भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने पुलिस को सूचना दी और वारदात के बारे में अवगत कराया और पीड़ित को साथ लेकर चितावा थाने में अज्ञात बकरी चोरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मधुर बुलेटिन। नमस्कार।